कपूर के डांस दीवानी सीजन 3 के विनर पीयूष गुरभुले और उनके गुरु अमोल गोटीकर का स्वागत समारंभ किया गया। शिवसेना की महाराष्ट्र वाहतूक सेना ने यह कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें शिवसेना के कार्यकर्ता, शिवसेना के पदाधिकारी, परिसर के नागरिक और डांस दीवानी सीजन 3 के विनर पीयूष गुरभुले के फैंस मौजूद थे। नागपुर वासियों का सीना गर्व से फूल गया जब नागपुर के डांसर पीयूष गुरभुले डांस दीवाने सीजन 3 के विनर बने। वैसे तो सेमीफाइनल से ही पीयूष गुरभुले से यह खिताब जीतने की उम्मीद उनके फैन और नागपुरवासी कर रहे थे और वो घड़ी भी आ गई जब डांस दीवाने सीजन 3 का खिताब पीयूष गुरभुले ने अपने नाम किया और नागपुर शहर का नाम पूरे देश में छा गया। ऐसे में नागपुर में पीयूष गुरभुले और गुरु अमोल गोटीकर का स्वागत समारंभ कार्यक्रम शिवसेना के महाराष्ट्र वाहतूक सेना की ओर से मंगलवार को आयोजित किया गया था, जिसमें शिवसेना के कार्यकर्ता, शिवसेना के पदाधिकारी, शहर के नागरिक और पीयूष गुरभुले के फैंस मौजूद थे। आज नरसाळा या परिसरामध्ये वाहतूक सेनेच्या वतीने पीयूष की ज्याचा कलर टीव्ही डान्स दिवाणेमध्ये पूर्ण संपूर्ण देशामध्ये प्रथम क्रमांक त्यांनी आणला आणि महाराष्ट्राची उपराजधानी नागपूर या शहराचा त्यांनी मान वाढवला। त्याला चार चांद लावण्याचं काम त्यांनी पीयूषने केलं। पीयूष मनुष्य ज्यावेळेस कोणती प्रगती करतो त्याला गुरुचं पाठबळ असतं। गुरुशिवा ज्ञान नाही, गुरुशिवा मार्ग नाही आणि म्हणून पीयूषच्या मागे गुरुच्या रूपानं अमोल गोटीकरजी हे सुद्धा आपल्या नागपूरचे त्यांनी त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली अमोलनी आज यामध्ये प्रथम क्रमांक आणण्याचं काम केलेलं आहे आणि म्हणून सर्व शिवसैनिकांनी त्याचा सत्कार, त्याचा गौरव व्हावा म्हणून त्याचा हा इथे मोठा भव्य दिव्य आयोजन कार्यक्रम केला। आज इस नरसाळा परिसर में डांस दीवाने कलर टीव्ही पर कार्यक्रम डांस दीवाने कॉम्पिटिशन में विजेता पीयूष गोटीकर जी का आज यहाँ पर स्वागत किया गया, जिसमें हमारे शिवसेना के पदाधिकारी, महाराष्ट्र वाहतूक सेना के विभाग प्रमुख महादेवराव जी कुहिटे ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में यहाँ पर जिस प्रकार का आयोजन हुआ, उस आयोजन में उनके गुरु अमोल गोटीकर जी का और पीयूष का एक स्वागत किया गया, एक उल्लास का वातावरण देखा गया, बच्चों में खास उत्साह देखा गया। शिवसेना की तरफ से इस प्रकार के बच्चों को प्रमोट करना, और एक चीज़ बहुत रोशनी से बताना चाहेंगे कि जिस समय ये कॉम्पिटिशन हो रहा था तो महादेव राव जी ने इनिशिएटिव लेकर सभी को वोटिंग के लिए अप्रिशिएट किया था और हम सभी ने, पूरी शिवसेना के मेंबर्स ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाकर नागपुर की तरफ से सबसे ज़्यादा वोटिंग्स गई थी। हो सकता है वो बहुत एक बड़ा परिणाम रहा उसके विजेता बनने में। कैमरा पर्सन माइकल के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।